गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू पोल साइंस क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द रनिंग चैप्टर फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ इन जस्टिस अन्याय के से रूप होते हैं सेकंड वन इज प्रमोट सोशल जस्टिस इन इंडिया किस तरीके से भारत में सामाजिक न्याय को प्रमोट किया गया है थर्ड फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस सो लेट एस स्टार्ट अ डिस्कशन रिगार्डिंग अ फर्स्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ इनजस्टिस देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ इंजस्टिस फर्स्ट वन इज़ पोलिटिकल इनजस्टिस राजनीतिक अन्याय पोलिटिकल इन्जस्टिस मीन्स दैट द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री जो राजनीतिक सिस्टम होता है देश का इज नोट बेस्ड ऑन रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखित संविधान पर आधारित नहीं है पीपल आर डिनाइड लोगों को वंचित किया जाता है राइट टू वोट वोट देने से राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन चुनाव लड़ने से एंड राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और सरकार की आलोचना करने से एंड राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस सो द पोलिटिकल सिस्टम इज फॉस्ड ऑन पीपल लोगों पर फोर्स किया जाता है इम्पोज किया जाता है एंड इज बेस्ड ऑन फोर्स एंड कॉरिकॉन सेकेंड वन इज़ लीगल इनजस्टिस कानूनी अन्याय लीगल इनजस्टिस मीन्स एबसेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ कानून का राज्य क्या होता है वो उस वो कहीं भी प्रजेंट नहीं होता मीन्स रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता पीपल आर डिनाइड इक्वलिटी बिफोर ला लोगों को समानता अधिकार नहीं है कानून के सामने इक्वल प्रोटेक्शन बाय ला। सभी को इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिलती सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती द ला इज़ नॉट बेस्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट जो लो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर बेस्ड नहीं है रादर इट इज़ मोनोपलाइज इसको तोड़ा मरोड़ा जाता है बाई फ्यू वेस्टिड इंटरेस्ट कुछ अमीर लोगों के द्वारा लाइक वाइज लीगल इनक्वालिटी जो कानूनी ऐसा मानता है कानून को सभी व्यक्तियों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए थर्ड वन इज सोशल इनजस्टिक सामाजिक अन्याय सोशल इनजस्टिस मीन्स इंक्लूड्स गिविंग ऑफ प्रिवरेजेस बेस्ड ऑन कास्ट कलर एंड क्रीड रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स स्पेशल अधिकार देना जाति के ऊपर कलर के ऊपर क्रीड रिलीजन धर्म के ऊपर प्लेस ऑफ बर्थ इन इन बेसिस के ऊपर कोई स्पेशल अधिकार देना इट गिव्स प्रिवलेज टू फ्यू ये कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं एट द कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम अधिकतर लोगों के बजाय इन इंडिया अनटचेबल्स एंड दलित हैव बीन डिनाइड सोशल इनजस्टिस सोशल जस्टिस फॉर सेंचुरीज ड्यू टू द रीज कास्ट सिस्टम इंडिया में क्या होता है जो अछूत लोग हैं और दलित लोग हैं उनको सामाजिक न्याय नहीं दिया जाता सदियों से सेंचुरीज से ड्यू टू रीज कास्ट सिस्टम क्योंकि हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है फोर्थ वन इज इकोनॉमिक इनजस्टिस आर्थिक अन्याय इकोनॉमिक इन्जस्टिस मीन्स दैट द वेल्थ एंड रिसोर्स इन ए कंट्री आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली उसको सही अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता लोगों के बीच में द गल्फ between रिच एंड पुअर इंक्रीज जिससे अमीर और गरीब के बीच एक खाई डे बढ़ती ही जाती है लाइक वाइस रिच एंड लाइट सेशंस आर एबल टू मोनोपलाइज और रिसोर्स टू देयर एडवेंटेज जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं मोनोपलाइज करते रिसोर्स को और वाइल्ड जबकि जो पुअर लोग हैं आर डिनाइड गरीब लोगों को वंचित कर दिया जाता है द बेयर नेसेसरीज ऑफ लाइफ जी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से भी विच इंक्लूड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रमोट सोशल जस्टिस इन इंडिया किस तरीके से भारत में हम क्या कर सकते सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं बढ़ावा दे सकते हैं फर्स्ट वन इज़ द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड अन टचेबिलिटी भारतीय संविधा भारतीय सरकार ने क्या किया है छुआछूत को बैन कर दिया है आर्टिकल सेवनटीन इसको रेफर करता है कि अनटचेबिलिटी है वो प्रैक्टिस में बैन है एंड इट्स प्रैक्टिस हैज़ बीन मेड पेबल बाय द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट सेकेंड जिम्मेदारी सिस्टम हैज़ बिन अबोलिश जो जिम्मेदारी प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया है थर्ड लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन स्टार्टेड भूमि सुधार किए गए हैं एंड सीलिंग हैव बीन प्लेस्ड ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड फॉर राइट्स टू वर्क जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं राज्य सरकार के वो क्या करते हैं क्या प्रोवाइड कराते हैं राइट right टू वर्क काम करने का अधिकार राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क समान काम के बदले समान वेतन फिफ्थ द गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजन फॉर लीस्ट एडवेंटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शेड्यूल कास्ट एड शेड्यूल कास्ट हैिवन फिफ्टीन परसेंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट सर्विसिज़ वाइज सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन शेड्यूल ट्राइब जो जनजाति है उनके लिए सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रिजर्वेशन कर दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए फिफ्टीन परसेंट है एंड लाइक वाइज ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन हैज़ बीन प्रोवाइड टू द अदर बैकवर्ड क्लासेज ओ बी सी को ट्वेंटी सेवन परसेंट रिजर्वेशन दी गई है रेकमेंडेड बाई द मंडल कमीशन द स्टेट हैज देयर फॉर एंडेवर स्टेट का जो मेन उद्देश्य क्या है टू वर्क फॉर द लीस्ट एडवेंटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो गरीब तबके के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं उनका उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट करना विकास करना सीधा स्पेशल स्टेप्स है एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन औरतों को शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं दीज इंक्लूड्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा को बैन कर दिया गया समान काम के बदले समान वेतन बैन और ट्रैफिकिंग ऑफ इवन वीमेन जो औरतों का व्यापार किया जाता था ठीक है वो बंद कर दिया गया एक्सेट्रा एंड स्कीम्स लाइक अंत्योद्या जो हर रोजगार योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्सेट्रा हैव बीन लॉन्च्ड स्टार्ट किए गए हैं टू मैनिसपेट पुअर गरीबों को ग्रीबों के डेवलपमेंट के लिए एंड लास्ट है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन का अधिकार ए फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसमें बच्चों को छः साल से चौदह साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न भर्तीदान में दिया गया है एंड नेक्स्ट वन हमारा फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस पोस्टुलेट कौन कौन से होते हैं

न्याय और आज़ादी दोनों आपस से जुड़े हुए हैं द द लिबरल्स आर ऑफ द व्यू दैट मैन गेट जस्टिस ओनली इन ए फ्री एटमोस्फेयर इंसान को न्याय मिलता है एक स्वतंत्र वातावरण में एंड फिफ्थ क्या है रिस्पेक्ट फॉर द इसेंशियल ऑफ नेचर हमें क्या करना चाहिए रिस्पेक्ट और नीचे सम्मान देना चाहिए फॉर द इसेंशियल ऑफ नेचर इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस टू कंपेल ए मैन टू डू वर्क विच इज़ बियॉन्ड हिज कैपेसिटी किसी व्यक्ति को उसी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करना ये गलत है सो so, ये कुछ पोच्यूलेट्स है तो डियर स्टूडेंट टुडे वी हैव डिस्कस थ्री डिफरेंट टॉपिक्स आई रिक्वेस्ट यू टू लिसन इट टू एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग सो टिल दैन थैंक्स एंड हैव अइस डे